अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। आज का हमारा व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ राशिद सी फूड। हमारे दोस्तों का प्लान बना है, स्कूल के दोस्तों का, तो वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं बस तैयार हो चुका हूँ और बस जल्दी जल्दी वहाँ के लिए निकलूँगा क्योंकि लंबा सफ़र भी है, ताकि साथ खरीदे सफ़र भी हो जाए और सर्दी का मौसम भी है और सर्दियों में राशिद सी फूड तो जाना बनता ही है। तो व्लॉग को इंजॉय करिएगा, स्टे ट्यून्ड। वो खड़े हैं हमारे तमाम दोस्त हैं, ये सामने मेरे दोस्त हैं, आप खड़े हैं फहद नासिर, फहद अंसारी। फलाल भाई, रिजाम भाई, फहद नासिर, फहद अंसारी भाई, फहद अंसारी। पेट्रोल डलवा लिया हमने और दोबारा हमारा शुरू हो गया, यहाँ स्टार्ट हो चुका है। बहरहाल ये आधे रास्ते में पहुँच गया था तो मैंने सोचा एक क्लिप रास्ते की बना लेनी चाहिए, तो वो मैंने बना ली। आप देख सकते हैं सर्दी के अंदर सारे जैकेट पहने हुए हैं और सब केवाड़ी की तरफ रुख हुआ हुआ था। बहरहाल मैं राशिद सी फूड पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर सब लोग आराम से सुकून से बैठे हुए हैं और रश ही रश लगा हुआ है। ये पार्किंग है यहाँ की। अब हमारा सफ़र का आगाज़ हुआ है यहाँ राशिद सी फूड का। तो बहरहाल अब हमने देखा कि हमने बैठना कहाँ पर है और हम जगह ही देख रहे थे, तो हमने सीधा सीधा जाके जहाँ पे पुराने बैठते थे हम वहीं बैठे। बहरहाल हम राशिद सी फूड के बिल्कुल सामने जहाँ पे राशिद भाई ख़ुद मौजूद होते हैं वहाँ पर बैठ गए। हम देख सकते हैं अब कितना जम्मे गफीर है लोगों का, लोग ही लोग थे। ऐसा लग रहा था कि सब उठ के किमाड़ी ही आ गया राशिद के बाद। यहाँ पे कढ़ाइयाँ बन रही हैं, यहाँ पर ग्रिल बन रही है, यहाँ पे टमाटर का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है मछली के अंदर। ये सब के लोगों के ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ये फ्राई भी हो रही है मछली और यहाँ पे ग्रिल भी हो रही है। बहरहाल हमारे दोस्त अब आप पर सिलेक्ट करने लगे मछली की, कौन सी मछली हमें खानी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी किस्म की मछलियाँ लगी हुई थी, तो हम एक दूसरे से मशवरे ही कर रहे थे कि कौन सी खानी चाहिए। बहरहाल ये हमारे दोस्त है वहाँ, बड़े एक्सपीरियंस दोस्त हैं ये। आपस में मशवरा करके दो तीन हमने बोले दोतर वगैरह मंगाई थी और मुझे दूसरी का नाम भी याद नहीं। तो बस ऑर्डर देते ही मैं ये सोच रहा था कि यार बैठना चाहिए क्योंकि आधा घंटा तो लगेगा ऑर्डर आने में। तो मैंने देखा कि यार एक जम्मे गफीर लगा हुआ है यहाँ पर, लोग ही लोग मौजूद हैं, तो जगह यहाँ पर कैसे हासिल की जाए। मैं सीधा गया राशिद भाई के पास और मैंने उनसे बोला कि मामू यहाँ पे जगह मिल ही नहीं रही है। तो उन्होंने किसी अली को आवाज़ दी और बोला कि भाई ये बांजो को बिठा यहाँ पर। तो वो अली होशियार बन गया, हमें ले गया अंदर की तरफ ना, जहाँ पर मतलब अंदर की कोई साइड थी वहाँ बैठने में मना नहीं आता। मैंने कहा भाई ये जो पब्लिक है यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं हमें यहाँ पर जगह चाहिए, मैं राशिद का मान जाऊँ भाई। बहरहाल उससे बहुत दो चार बातें करी, उसने खैर हमें जगह दिलवाई दी, हम लोग यहाँ पर आके बैठ गए। हम लोग गपशप कर ही रहे थे आपस के अंदर, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि हर कोई यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आ रहा था। इतने में आ गया खाना। खाना जैसे ही आया तो हम लोग खाने पर लपकना शुरू हो गए। कढ़ाई मछली बहुत बेहतरीन किस्म की दोनों चीज़ें लग रही थी क्योंकि बहुत लजीज थी और सर्दी के मौसम में मछली का आइटम जो है वो बहुत मज़ेदार ही लगता है। बहरहाल यहाँ पे हम लोग खाना खा ही रहते हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी हमने पी। तो हम जब भी यहाँ जाते हैं तो हम केपीटी लाजमी जाते हैं। यहाँ हम गए तो यहाँ पर हमने देखा कि यार ये तो इन सब ने बंद करा हुआ है। बहरहाल यहाँ पे ताला लगा हुआ था। हम लोग वापसी आए, मछलियाँ यहाँ पर देखते हुए भय तहाशा किस्म की यहाँ पर मछलियाँ रखी हुई थी, अलग अलग फार्म की तो नहीं, समंदर की मछलियाँ लगी हुई थी ज़मीन पे इन लोगों ने रखी हुई थी। तो हम लोग रेट वेट पूछते पाछते ये कि भाई कौन सी क्या है क्या नहीं है। बहरहाल मूड हो रहा था हमारा चाय पीने का, तो हमने सोचा कि यार सबसे मशहूर जगह की चाय पीनी चाहिए, तो हम आ गए शाह फजल अल मशाइक होटल। हमने यहाँ पर ऑर्डर दिया 5 चाय का। हमने जैसे ही ऑर्डर किया पीछे से बंदा आ गया चाय लेके, तो हम लोगों ने चाय पी और इन्जॉय किया।